अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ एक हेयर कट की वीडियो शेयर कर रही हूँ और एंड तक वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ सके और ये वाला कट आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत ईजी सा ये हेयर कट है। फ्रंट से मैं इसके हल्के से फैदर सी बनाऊँगी और बैक से वी। सबसे पहले आपने बालों को वेट कर लेना है अच्छी तरह, उसके बाद हल्के से जो फ्रंट के बाल हैं ना वो आपने दोनों साइड से एक जैसे ले लेने हैं गाइडलाइन के लिए। दोनों साइडों से मैंने एक जैसे बाल ले लिए हैं, ये देखें, ताकि हम अब एक गाइडलाइन ले सकें, उसके मुताबिक फिर बाकी का हेयर कट करें। आपको फ्रंट से जितना शॉर्ट हेयर कट चाहिए आप उतना शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिन तक लिया था और हल्की सी ऑपोजिट साइड पे भी मैं थोड़ी सी इन हेयर की ट्रिमिंग करूँगी ताकि मेरा एक अच्छा सा फ्रंट से लेयर बन सके। देखिए, अब जो फ्रंट से मैंने गाइडलाइन ली है, हेयर कट की है चिन तक, इसी को लेके मैं आगे चलूंगी। ईयर टू ईयर मैं आगे लाके बाल कट करूंगी, आप देख लेंगे मैं बहुत पतले पतले बाल लेके, आप मेरे फिंगर की शेप भी देख ले, पतले पतले बाल लेके मैं हेयर कट करूंगी। आप जब भी हेयर कट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बालों का इकट्ठा एक साथ कटिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाल ऐसे ख़राब भी हो सकते हैं। आप थोड़े थोड़े बाल लेके एक अच्छी कटिंग करें, देखें, और बार बार जब आप बालों की कटिंग करें यानी बार बार चेक करें। मैं बार बार बालों को चेक, फ्रंट से ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी थी फिर भी मैं इसे बार बार चेक कर रही थी। अब बैक से मैं बालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। यहाँ मैं आपको दो तरह से समझा देती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो बालों को स्टेप वाइज थोड़े थोड़े करके आगे ला के भी इसी तरह कट कर सकते हैं। फिंगर आप मेरी देखें, मैंने तिरछी रख के सारे बालों की कटिंग की है। तो अगर सेकेंड में ऑप्शन आपको देती हूँ कि आप बालों को सीधा कर लें और सीधा करके आप वी की सूरत में काट लें। अक्सर जो वी शेप के बाल होते हैं ना, आप इस तरह से काट लें। ये बहुत ईजी सा हेयर कट है और बहुत खूबसूरत इससे बाल लगते हैं और बाल आपके थिक भी लगेंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा कट हो गया, बिल्कुल जैसे फ्रंट से है ऐसे ही हमारा बैक से भी कट हो गया। देखिए इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह मैंने ईयर टू ईयर इधर से आगे से बालों की कटिंग कर ली है और पीछे से आप अच्छी तरह बाल सीधे कर लें, उसके बाद आप हेयर कट करें। बालों का साफ होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये होता है कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो बालों को अच्छी तरह वेट कर लें। जब आप वेट करेंगे ना, बालों की कटिंग बहुत अच्छी होगी और एक जैसी होगी। ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी थी, ये देखें, कर सकते हैं या नोचिंग जिसको हम बोलते हैं, नोचिंग कर सकते हैं बीच में। इससे क्या होगा कि आपके एक तो कटिंग का लुक अच्छा आ जाएगा, दूसरा इसमें ये होगा कि हल्के हल्के फैदर बन जाएंगे बालों में। हमारी कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, आप देख लें, मैं नज़दीक करके भी आपको बताती हूँ। और जितने आपने फ्रंट से शॉर्ट रखने हैं या कोई पफ बनाना है तो आप अलग से कट कर लें। होप सो आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।